साथियों, आज के इस वीडियो में इस तरीके की जो स्ट्रीट लाइट होती है वो कितने भी बड़े वाट की क्यों ना हो, 50 वाट, 100 वाट, 150, 200, 250, 500, 1000, जितने भी वाट की बात हो कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप मेथड समझिए और उसको रिपेयर करिए। अब यहाँ पर ये वाली स्ट्रीट लाइट है, इसका क्या समस्या है, ये पूरी तरीके से बंद हो गई है। अब इसका जो ड्राइवर सर्किट है, या तो इसमें कोई कमी हो सकती है, जो अंदर सर्किट एरिया है वो कमी हो सकती है, या फिर इसका कुछ LED खराब हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए अगर हम साधारण पेचकस का उपयोग करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें गुलाई तरीके से, तो हम इस तरीके से इसमें एक स्क्रू ले लेते हैं और यहीं से इसी पेचकस की सहायता से हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से फिट हो गया। अब हम इसको खोलेंगे। खोलने का बहुत ही आसान तरीका है इसको दोस्तों। इसमें जो चार पेच लगे हुए हैं, सबसे पहले हम इसका ड्राइवर सर्किट खोलेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पावर नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हमने इसको पेचकस को डबल कर दिया ताकि बहुत सरल तरीके से कम मेहनत में अच्छे से खुल जाए। इस तरीके से तो चारों पेच हमने ओपन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं समस्या इसमें क्या है। तो यहाँ दोस्तों ढक्कन को हम हटा लिया, इस तरीके से पेच हटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो नज़र हम देखें, जो ड्राइवर सर्किट है उसमें आग लग चुकी है, मतलब ये जो सर्किट है ये जल चुका है। अब इसमें दोस्तों, इसमें हालांकि ये पहले भी रिपेयर हो चुका है और इसमें एक बड़ा सर्किट था, अब इसकी जगह पे एक छोटा सर्किट है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सर्किट में दो तरह से जल चुका है। एक तो जहाँ ये MOB और रेजिस्टेंस, फ्यूज रेजिस्टेंस लगे हुए थे वो भी जल गए हैं, और जब वो जले हैं तो फिर अंदर के रेजिस्टेंस भी कुछ जले हुए हैं, पूरा सर्किट ही जल गया है। अब इसको हम खोलेंगे सबसे पहले और देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या इसमें समस्या हो सकती है और ये किस तरीके से ठीक हो सकता है। सबसे सरल तरीका है दोस्तों, इस तरीके से हमने इसको ओपन किया है और ये देखिए, यहाँ से दोनों जो MOB और फ्यूज हैं ये बुरी तरीके से जले हुए हैं। अब ये देखिए ये, और क्या है दोस्तों, जो सर्किट है उसको भी, जो यहाँ पे पेच लगे हुए उसको भी पिघला दिया, इतना हाई हुआ इसमें। ये देखिए, ये पूरा जो जगह था पेच कसने वाली उसको भी इन्होंने पिघला दिया, इतना हाई टूट गया। अब यहाँ पे इनको भी ओपन कर लेते हैं और इसके जो वायर हैं, सर्किट है, इसको अलग कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच वाला ठीक था। अब ये वाला जो सर्किट है उसको भी हटा लेते हैं, क्योंकि हमको पूरा ड्राइवर सर्किट बाहर निकालना है। इस तरीके से अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे बाहर दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस भी जले हुए हैं। ये देखिए बाहर से ही दिख रहे हैं, और इसमें जो रेजिस्टेंस हैं ये MOB फ्यूज तो जली गए हैं और ये भी रेजिस्टेंस जले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको भी खोल लेते हैं, इसकी जो लबड़ पैकिंग है इसको हटा लेते हैं, इस तरीके से काट के हटा लेते हैं, क्योंकि ये पिलगी रहती है, ये वैसे नहीं हटेगी, इसको काटना ही पड़ेगा। एक साइड से काटिए और अच्छे से काटिए ताकि आप इसको फिर से दोबारा उपयोग कर सकें। तो इस तरीके से हमने इसको हटाया। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो ड्राइवर सर्किट है इसमें और अन्य जो कंपोनेंट हैं वो तो ओके हैं, केवल और केवल इसमें एक जो रेजिस्टेंस हैं यही अकेले खराब है, दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वो फ्यूज हो गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बढ़िया बात यह है कि हमारे जो कैपेसिटर है और कंडेंसर है ये सभी ओके सर्किट में हैं, केवल और केवल यहाँ पर कुछ ही कंपोनेंट इसमें जले हुए हैं। तो हम इसी सर्किट को फिर से रिपेयर कर पाएंगे, और यदि ये पूरा जल जाता तो हमको दूसरा सर्किट या तो इसमें लगाना पड़ता है या फिर दूसरा बनाकर लगाना पड़ता है। इस तरह के सर्किट दोस्तों मार्केट में अगर देखेंगे तो बहुत मुश्किल से ढूंढने को मिलते हैं, तो आप इनको घर पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम ये वाला सर्किट है इसको ही रिपेयर करेंगे, और इसको रिपेयर करना बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें कोई अलग से कोई फॉल्ट नहीं है, केवल और केवल इसमें जो रेजिस्टेंस हैं वही अकेले जले हुए हैं। तो अभी हम इनको पहले चेंज करके देखेंगे, यदि ये काम कर गया तो ओके है, नहीं तो फिर इसके जो कैपेसिटर हैं या कंडेंसर हैं इनको भी चेक करना पड़ेगा, ये भी खराब हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन जो रेजिस्टेंस हैं इनको निकाल लेते हैं, इस तरीके से दोनों रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों बताते चले, जैसे ये वाले जो रेजिस्टेंस हैं, चलिए इनको तो निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हैं ये तो जल गए हैं, और अब हमको उनको ये भी पता नहीं इनका कलर कोड कैसा था, ये कितने ओम की रेजिस्टेंस हैं। वाट तो हाली दिखता है कि ये बन वाट के हैं, शायद से पता चल जाता है ये वाट बन वाट के हैं, लेकिन इनका ओम हमको पता नहीं रहता है। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे यहाँ पर जो इस्तेमाल होना है 60 ओम से लेके 80 ओम 100 ओम के बीच तक कोई भी आप रेजिस्टेंस में लगा सकते हैं, 60 से 100 के बीच में।
तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो रेजिस्टेंस लगाएंगे वो भी 2 वाट के। और अगर ओम की बात करें तो हम यहाँ पर 68 ओम के दो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाएंगे। इससे होगा क्या दोस्तों, जैसे कि ये यहाँ पर ये देखिए ये 2 वाट के रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगाएंगे, इससे फायदा ये अगली बार ये जलेंगे नहीं। ये हालांकि 1 वाट के रेजिस्टेंस थे वो भी अच्छे थे, लेकिन हमने और 1 वाट और जोड़ दिया, डबल 2 वाट कर दिया। तो इससे क्या है, ये जैसे अभी रेजिस्टेंस जल गए थे, अब ये 2 वाट के लगा दिए तो अब ये रेजिस्टेंस जलेंगे नहीं। प्लस में ये 68 ओम की रेजिस्टेंस है यहाँ पर, आप चाहें अगर आपके पास 68 है तो लगा दीजिए, नहीं तो आप 70 80 जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो रेजिस्टेंस लगा दीजिए, लेकिन 1 वाट से इसमें कम नहीं होने चाहिए। 1/2 वाट के रेजिस्टेंस यहाँ पर मत लगाइएगा, क्योंकि 1/2 वाट के रेजिस्टेंस जल्दी से हीट होके जल जाएंगे। यहाँ पर जितना अच्छा आप अगर इसमें 1 वाट का रेजिस्टेंस देंगे उतनी अच्छी आपकी रोशनी भी आएगी LED में। ये भी दोस्तों ध्यान, अगर हम यहाँ पर 1/2 वाट का रेजिस्टेंस 1/2 वाट के रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वहां पर क्या है, हमारी जो LED की रोशनी है वो कम तो हो ही जाएगी, प्लस में क्या रहेगा, ये जल्दी से खराब होंगे, जल जाएंगे बार बार। तो इसका ध्यान रखते हुए ये भविष्य में इसका सर्किट के जो रेजिस्टेंस हैं वो ना जलें, इस वजह से हम यहाँ पर इसका वाट को 2/2 वाट कर देते हैं, 2 वाट कर देते हैं, 1 की जगह 2 वाट कर देते हैं। इस तरीके से ये रेजिस्टेंस अब नहीं जलेंगे। अब इसमें सोल्डरिंग करेंगे, सोल्डरिंग ऐसी रहे जरा भी यहाँ वहाँ हिले नहीं, कोई कंपोनेंट कम नहीं होने चाहिए, मतलब स्पार्किंग की जगह कुछ होने नहीं चाहिए, इसलिए अच्छे से सोल्डिंग कर दीजिएगा। चलिए, ये जो दोबारा से जो सोल्डिंग आयरन था उसको बढ़िया से हमने वही जो पेस्ट है उसको दोबारा से वही लगा दिया, इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके सोल्डिंग करने के बाद इसको ब्रश जरूर करिएगा, फिर उसके बाद चिमटी से यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत कंपोनेंट में सोल्डिंग गिर जाता है उसको जरूर हटाएगा, ये शॉर्ट सर्किट का ये दिक्कत हो जाती है, इस वजह से साफ करिए क्लीन। अब यहाँ पर क्या है, इनको 1 बार जो है इसको छील लेते हैं, बाद में छीलेंगे। और यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 रेजिस्टेंस लगाएंगे। इसमें दोस्तों आप रेजिस्टेंस जैसे लगाएंगे और प्लस में MOB भी लगाइए। इसमें हम यहाँ पर 1 वाट का रेजिस्टेंस उपयोग कर रहे हैं, इसमें आप 1 वाट का रेजिस्टेंस यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, अगर आपके पास 1/2 वाट है तो 1/2 वाट का भी रेजिस्टेंस आप उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये वाले रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों आप 60 से लेकर 100 ओम के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो 1 वाट 1/2 वाट कोई भी उपयोग कर सकते हैं। MOB की बात करें तो यहाँ पर हम 7D511K का उपयोग कर रहे हैं। इस तरीके से आप कोई भी MOB आपके पास अगर उपलब्ध हो जाए या 10D अगर आपके पास उपलब्ध हो जाए वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इससे दोस्तों लगाने से क्या फायदा होगा, यदि हमारा वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज हाई होगा तो हमारा जो सर्किट है वो सेफ रहेगा। ये जो रेजिस्टेंस है और MOB है यही इसको कंट्रोल कर लेगा। और जब इसमें क्या होगा, यहाँ से जैसे अगर हम पावर देते हैं तो जब पावर यहाँ से जाएगा और जब ये कंट्रोल करेगा, यदि पावर जाता आएगा तो फिर यहीं से जो MOB और फ्यूज है ये जल जाएंगे, और जब ये जल जाएंगे तो यहाँ से पावर जो है वो कनेक्शन टूट जाएगा, और जब पावर कनेक्शन टूट जाएगा तो हमारा जो सर्किट है वो सेफ बना रहेगा। इसलिए ये विशेष जरूरी, आप कोई भी सर्किट लगाइए उसमें फ्यूज और MOB इस तरीके से उपयोग जरूर करिएगा। इससे हमारा जो सर्किट है वो महंगा आता है, इसमें काफ़ी कंपोनेंट लगे रहते हैं, लेकिन अगर MOB और फ्यूज अगर खराब होंगे तो छोटा सा ही नुकसान होगा और हमारा सर्किट और उसकी LED सिर्फ सेफ रहेंगी। तो इसलिए MOB और फ्यूज जरूर लगाइएगा, जो मेन पावर की सप्लाई है उन दोनों वायरों में। चलिए, तो यहाँ पर अब हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं, जैसे हमने इसको खोला था वैसे ही इसको लगाएंगे। जब हम LED तरफ के भाग का वायर कनेक्शन करते हैं तो इसमें ध्यान रखना होगा माइनस प्लस का, जैसे ब्लैक वाला वायर है वो माइनस का है और रेड वाला वायर है वो प्लस का है, और LED से भी हम देख सकते हैं माइनस प्लस को। अब उसके बाद हम चेक कर लेते हैं जो हमारा कनेक्शन है वो ठीक है, इस तरीके से ये तो ओके है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारी जो पावर सप्लाई है वो ओके हो गई है, ये देखिए, तो हमारा जो पैच है वो बढ़िया से काम कर रहे हैं। अब इसके बाद में क्या है दोस्तों, जब हम इसको लगाएंगे और इसका कनेक्शन भी कर देंगे, हम कंपोनेंट भी बदल लेंगे, उसके बाद फिर इसका ऊपर कनेक्शन करने के बाद से पहले से हम इसको एक बार चेक करेंगे जरूर, और ये जो वायर हैं इनको बाद में हम जोड़ेंगे, पहले एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं।
और टेस्ट के लिए आप पहली बार अगर आप टेस्ट करें तो हमारे हिसाब से अगर आपके पास सीरीज उपलब्ध है तो आप सीरीज में करिए। हालांकि यहाँ आपको सीरीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वैसे भी यदि आप ड्राइवर सर्किट को रिपेयर कर रहे हैं और ड्राइवर सर्किट रिपेयर करने के बाद यदि आप चेक करें तो पहले सीरीज में करें, तो यहाँ पर ओके है। अब हम इसके आगे की प्रोसेस चलते हैं। तो क्या होगा यदि आप कोई ड्राइवर सर्किट रिपेयर करेंगे, हालांकि यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी अगर कोई ड्राइवर सर्किट रिपेयर करें तो उसमें आप सीरीज से पहले चेक करें। उससे क्या है, यदि कोई कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका शॉर्ट सर्किट होगा नहीं, सीरीज में कंट्रोल हो जाएगा और उसका जो सीरीज वाला बल्ब है वो जल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा जो सर्किट है वो बनकर तैयार हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर इसको जरूर लगाइएगा लबड़ को, या फिर आप पूरे में टैप लगा सकते हैं, या अगर आपके पास टैप नहीं है पॉलीथन या प्लास्टिक किसी भी तरीके से इसको पूरा लेस कर दीजिएगा। क्यों करना है, इसकी बीच वजह है क्योंकि ये एल्युमिनियम की प्लेट है और इसी में हम इसको कसेंगे। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पूरा क्रियल है, खुला हुआ है, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से इसको पूरा सिक्योर करना है। यदि आपके पास टैप है तो पहले पन्नी में इसको डाल के टैप चिपका दीजिए, पन्नी बांध दीजिए। कुल मिलाकर ये एल्युमिनियम से इसके कोई भी कंपोनेंट टच नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको सिक्योर कर दिया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसमें क्या है, नीचे इसको स्थाई है, तो अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो जैसे कि हम यहाँ पर डबल टैप का यूज कर रहे हैं तो आप भी यहाँ पर डबल टैप को लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, ड्राइवर सर्किट जो है वो एक जगह स्थाई रहेगा और यहाँ वहाँ हिलेगा डुलेगा नहीं। उससे फायदा ये होगा कि हमारे जो कंपोनेंट हैं, जैसे जो कनेक्शन है, वो टूटेंगे नहीं और ड्राइवर सर्किट अपनी जगह स्थिर रहेगा। अब यहाँ पर जो दोस्तों ये जो सर्किट है इसमें क्या हुआ, बीच वाला जो सर्किट था वो तो जल गया था, तो हम इसमें किनारे वाले जो सर्किट हैं इसका हम उपयोग कर लेते हैं। हालांकि इसमें जो वायर रहते हैं वो तीन वायर रहते हैं, एक अर्थिंग का भी होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है और उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे थोड़ा मोड़ कर, इससे क्या होगा एक वाला जो वायर है यहाँ पर स्क्रू, अगर इससे ये थोड़ा बहुत लूज भी रहेगा तो दूसरे यहाँ पर ये वायर जो है वो मुड़ गया था और यहाँ पर ये डोरी का है, तो ये दोनों जब पेच में जाएंगे तो बढ़िया से टाइट हो जाएंगे। ये देखिए अब हम इसको पैच कर सकते, तो ये इसमें कोई स्पार्किंग की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, बढ़िया से टाइट होंगे। इस तरीके इसको भी थोड़ा सा मोड़ दीजिएगा, इतना मोड़िएगा कि इसकी जो दूरी है वो इस तरफ से इस तरफ आ जाए, इस तरीके से। ये देखिए अब यहाँ पर दूसरा इस तरीके से इसको लगा देते हैं, तो अगर एक स्पार्किंग अगर हो रहा है तो दूसरा वाला बढ़िया से सर्किट टाइट हो जाएगा, तो फिर स्पार्किंग नहीं होगा और स्पार्किंग नहीं होगा तो ये कंपोनेंट जलेंगे नहीं। उसके बाद में इनको भी टैप से लेस कर दीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा कि अगर हम थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ डोरी हिल गई है तो हमारे एल्युमिनियम में ये टच नहीं होंगे। इस तरीके से बढ़िया टैप लगा दीजिए, ये सिक्योर हो गए। अब जो हमने डबल टैप लगाया था उसकी जो पीछे की किनारे की पन्नी है इसको हम हटा देते हैं और उसके बाद फिर ये बढ़िया से चिपक जाएगा। इस तरीके से हटा देंगे और ये देखिए बढ़िया से चिपक गया, इसमें टाइट हो गया। अब यहाँ पर जो हम सर्किट लगाएंगे इसमें ये प्लास्टिक भी लगा देंगे। यदि आपके पास प्लास्टिक नहीं तो आप टैप भी यूज कर सकते हैं या कोई पॉलीथन हो उसको लगा दीजिए। उससे भी क्या होगा, इसमें वही फायदा है, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, इसलिए हम इसको टाइट करेंगे बढ़िया से। तो दोस्तों आपके पास लाइट कोई भी हो, कैसी भी लाइट हो, यदि वो बंद है तो आप एक बार उसको खोल कर देखिए जरूर, कुछ नुकसान नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले आप लाइट को खोलिए और यदि आपको, जैसे हमने यहाँ पर देखा तो पहले ही हमको दिख गई है कि ये जली थी, तो हमने बंद कर दिया, उसको हटा दिया और प्लेस कर दिया, तो बढ़िया से चालू हो गई लाइट इस तरीके से। अब इसके वोल्ट कसने के पहले भी हमने एक बार चेक कर लिया, ये ओके है। अब हम बढ़िया से इसके जो वोल्ट हैं नट वोल्ट बढ़िया से टाइट कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, जितनी भी एलईडी हैं उनको आप पहले आप खोल कर जरूर देखिए, यदि आपकी बंद है आप इसमें मत रहिए कि अगर हम खोलेंगे तो कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो तो लाइट पहले से ही बंद है। एक बार खोल कर जरूर देखिएगा, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जा सकते हैं, वहाँ रिपेयर करा सकते हैं। लेकिन एक बार आप घर पर अगर खोल कर देखेंगे तो आपको इसमें समस्या पता चल जाएगी, क्या इसमें समस्या है, और हो सकता है वो आप घर पर ही रिपेयर करें तो आपकी पैसों की काफ़ी बचत भी हो जाएगी। और ये देखिए ये बढ़िया से रिपेयर हो गई घर पर और बढ़िया से काम हो गई, केवल इसमें रेजिस्टेंस ही चेंज की है, MOB लगा दी है ना। तो इस तरीके यदि आपका पूरा रेजिस्टेंस खराब हो जाता
तो आप मार्केट से जाइए, नया पूरा सर्किट इसको लाइए और इसको रिप्लेस कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कोई आपका सुझाव या क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।